सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 8 मई को अलीगढ़ और मेरठ में जाकर रोड शो किया। अखिलेश के इस रोड शो के बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने एक बड़ा दावा किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि जहां अखिलेश यादव जाएंगे वहां बीजेपी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे राहुल गांधी जाते थे तो बीजेपी को लाभ होता था, वैसे ही अब अखिलेश यादव भी ऐसा ही प्रचार करने लगे हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। इतना ही नहीं, राम प्रताप सिंह ने दूसरे चरण में 77 में से बीजेपी के 70% सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जैसे नगर निगम में 5-5 सदस्य निर्विरोध हो जाए, आगरा में मुस्लिम सदस्य निर्विरोध चुने जाए तो मनोबल बढ़ता है। बीजेपी नेता ने कहा कि दोनों चरणों को देखें तो हमारे सदस्य 85% निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, इससे मनोबल तो काफ़ी बढ़ता है। 70% से भी ज़्यादा हम लोग जीत के आए हैं निर्विरोध रूप से, और जब कोई निर्विरोध होता है तो पार्टी का मनोबल बढ़ता है। जब नगर निगम क्षेत्र में अलीगढ़ जैसे नगर निगम में 5-5 पार्षद निर्विरोध हो जाएं, आगरा में हो जाएं, नगर पालिका क्षेत्र में मुस्लिम सभासद भी निर्विरोध हो जाए, और सभी स्थानों से लगभग मुझे लगता है 85% के ऊपर होगा ये, अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो मनोबल तो निश्चित रूप से बढ़ता है जब जीत होती है। और जो सूचनाएं हमको पहले चरण की आई हैं वो भी बहुत शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और दूसरा चरण भी हम लोग लगातार जानकारी कर रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतरों से चुनावों को जीतने वाली है। ये तो पिछली बार की परिस्थितियाँ जो रही होगी, लेकिन इस बार निश्चित रूप से उन सीटों को भी हम जीतेंगे। और हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी, तो इस बार जीत उतनी ही शानदार होगी। और ये सब कुछ योगी जी मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, हमारे निगमों में जो काम हुए, हमारे संगठन का जो काम है प्रदेश अध्यक्ष जी महामंत्री संगठन के नेतृत्व में, और हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है और जनता का जो प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस कारण से हम लोग निश्चित रूप से इस बार इतिहास लिखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले एक नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कुल 77 पदों के लिए उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि राज्य में पहले चरण में 4 मई को 10 नगर निगमों समेत 37 जिलों में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के विभिन्न पदों के लिए मतदान हो चुका है। दोनों चरणों में हुए मतदान की मतगणना 13 मई को होगी। निकाय चुनाव के अलावा राज्य में सुवार और 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है।